अब बात सियासी हलचल की, क्योंकि सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल और विधायक अमीन कागजी का बयान सामने आया है। धारीवाल ने कहा है कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल ही नहीं है, जबरदस्ती उनका नाम चलाया जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उन लोगों को कांग्रेस के विधायक स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश रची। धारीवाल बोले हैं कि 102 विधायकों में से किसी को भी आप सीएम बना दीजिए, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला स्वीकार नहीं होगा। तो कांग्रेस विधायक अमीन खान ने कहा है कि अशोक गहलोत पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान एक लाइन का प्रस्ताव भेजकर अगर सीएम किसी और को बनाना चाहे तो ये मंजूर नहीं है। जिन लोगों ने सरकार को गिराने की साजिश रची उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है दोनों विधायकों और मंत्रियों द्वारा। अब बात सियासी हलचल की, क्योंकि सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल और विधायक अमीन कागजी का बयान सामने आया है। धारीवाल ने कहा है कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल ही नहीं है, जबरदस्ती उनका नाम चलाया जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उन लोगों को कांग्रेस के विधायक स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश रची। धारीवाल बोले हैं कि 102 विधायकों में से किसी को भी आप सीएम बना दीजिए, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला स्वीकार नहीं होगा। तो कांग्रेस विधायक अमीन खान ने कहा है कि अशोक गहलोत पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान एक लाइन का प्रस्ताव भेजकर अगर सीएम किसी और को बनाना चाहे तो ये मंजूर नहीं है। जिन लोगों ने सरकार को गिराने की साजिश रची उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है दोनों विधायकों और मंत्रियों द्वारा। अब बात सियासी हलचल की, क्योंकि सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि मंत्री शांति धारीवाल और विधायक अमीन कागजी का बयान सामने आया है। धारीवाल ने कहा है कि सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल ही नहीं है, जबरदस्ती उनका नाम चलाया जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उन लोगों को कांग्रेस के विधायक स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश रची। धारीवाल बोले हैं कि 102 विधायकों में से किसी को भी आप सीएम बना दीजिए, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला स्वीकार नहीं होगा। तो कांग्रेस विधायक अमीन खान ने कहा है कि अशोक गहलोत पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान एक लाइन का प्रस्ताव भेजकर अगर सीएम किसी और को बनाना चाहे तो ये मंजूर नहीं है। जिन लोगों ने सरकार को गिराने की साजिश रची उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है दोनों विधायकों और मंत्रियों द्वारा।